आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413185 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एस सी से आने वाली तमाम भर्तियां, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले लाइक दबा करके किया करिए, सब्सक्राइब झंझना करके किया करिए और शेयर शेयर तो हल्ला बोल के किया करिए, ठीक है ना। जितना लाइक, जितना सब्सक्राइब, जितना शेयर, उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए आज भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर के आशान्वित होते हैं कि जब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का वीडियो आएगा तभी उस बात पे स्पष्टीकरण भी होगा और तभी उस बात की पुष्टि भी होगी और उसका वो वेट भी करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें देखी हैं कि यदि आपको कहीं तथ्यपरक और सत्य और तार्किक सूचनाएं चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने एक नहीं बहुत सारे कमेंट देखे हैं ऐसे। आप लोगों का इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना भरोसा, यही मेरी ताकत है और इस ताकत को और भी बढ़ाइए और भी लोगों के साथ इस चैनल को प्रसारित करिए, जोड़िए लोगों को। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि बकवास करना हमें नहीं आता, ठीक है ना। टू दी पॉइंट बात करना मैं पसंद करता हूँ, टू दी पॉइंट सुनना पसंद करता हूँ, लाग लपेट वाली कोई चीजें नहीं। जैसा कि आज आपको पता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चली थी। हाई कोर्ट में जो प्रतीक मिश्रा की कोई याचिका लगी थी उस याचिका के तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके मही फेंक दिया 12 तारीख को और वैसे ही उसका डेट बढ़ता रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है ना। यहां चाहे जितना जोर लगा ले आ देखे जरा किसमें कितना है दम, यहां कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। बाकी बचे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई पक्ष हैं जिसमें एक पक्ष है आपका बीएसटीसी का, एक पक्ष है राजस्थान के बीएड का, एक पक्ष है आपके एनसीईआरटी का, एक पक्ष है आपके एमएचआरडी मिनिस्ट्री का, एक पक्ष है आपके केंद्र सरकार का और एक पक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है ना। केस में इतने लोग जो है वादी हैं, ठीक है, और मामला सिर्फ एक है, बीएड को बाहर करना या अंदर करना। जैसा कि आज आपको पता है 16वें नंबर पर जो है सुनवाई लगी थी और कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, ऐसा नहीं कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन 72 पेज की जो काउंटर जो है एफिडेविट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दाखिल किया गया है, उन सभी चीजों का विश्लेषण करने के उपरांत फैसले दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे 72,825 में हुआ था आपको याद होगा कि कोर्ट जो है अपने आदेशानुसार काउंसलिंग कराता गया और बाद में वो फैसला जो है फाइनल हो गया, ठीक है ना। वैसे ही देखिए एक बात स्पष्ट है, शिक्षा जैसे पॉलिसी मैटर में, नीतिगत फैसलों में हमेशा जीत सरकार की होती है क्योंकि शिक्षा एक नीतिगत मामला है। अगर किसी सरकार का नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है वो, तो उसमें विजय गवर्नमेंट की ही होती है, ठीक है ना। ये एक मतलब जो है आप अपवाद बोल सकते हैं। यहां पे जब 72,825 का डबल बेंच में मामला चल रहा था उसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनसे बार बार कोर्ट ये चीज पूछ रहा है कि क्या ये आपका नीतिगत मामला है, क्या आपका नीतिगत मामला है, लेकिन उन्होंने जो है इस बात को कहने से भी गुरेज किया कि हाँ ये हमारा नीतिगत मामला है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की हार हुई थी। बाद में लड़के सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे भी
सही ढंग से पैरवी न कर पाने के कारण एकेडमिक वाले विद्यार्थी बाहर हो गए और ऐसे से निकम्मे उसमें नौकरी पा गए जो कि हमेशा चौराहों पर तंबाकू रगड़ करके खाते हुए टहलते हुए मैंने देखा था। ऐसे निकम्मे उसमें नौकरी पाए जिनको कि शुद्ध कख ग नहीं आता है। ऐसे विद्यार्थी जो है टीचर बनकर के आज जो है 10 साल 8 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उनको चार का पहाड़ा तक नहीं आता है। ऐसे कई टीचरों को मैं जानता हूं। अगर उनसे कह दो कि 4 × 8 कितना होता है तो नहीं बता पाएंगे, समझ रहे ना। ऐसे ऐसे जो व्यक्ति अध्यापक बनते हैं और यही नौनिहालों का भविष्य तय करते हैं। फिलहाल मैटर पे आते हैं, मैटर से भटकना नहीं चाहता मैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, बीएड प्रशिक्षितों को किसी भी कीमत पर कोई भी ताकत, जब तक कि आपके साथ केंद्र सरकार खड़ी है, राज्य की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार खड़ी है, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ 100% कह रहा हूं, आपको बाहर नहीं किया जा सकता है। आप इस तरीके के थंबनेल से, इस तरीके के कंटेंट से, इन सारी चीजों से अपने आप को बचा करके रखा करिए। कभी आप बाहर नहीं होंगे बीएड से, प्राथमिक शिक्षा भर्ती से, यह हम आपसे गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको यह भी बता दूं, इस फैसले को अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार पलट देगी। हम भी सरकार में पहुंच सकते हैं, बैठ रखते हैं, जनप्रतिनिधियों से हमारा भी उठना बैठना है, मिलना है। उनके लिए कार्यकर्ता के हैसियत से कार्य करता हूं मैं, 2004 से लेकर के जो है अभी तक उस फील्ड से, पार्टी से जुड़ा हुआ हूं मैं। हमें भी पता है क्या कुछ हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ये हमारे चैनल का दावा है, ठीक है। आपकी हार नहीं होगी, आप बाहर नहीं होंगे, सारे मैटर हटा दीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए एक सहमति बन चुकी है कि जो नियमावली में संशोधन हुआ था उस संशोधन को 2022 के विज्ञापन से लागू किया जाएगा, अर्थात 2018 के विज्ञापन से वो संशोधन लागू नहीं होगा, क्योंकि इसको लागू करने में कई टेक्निकल और वैधानिक फॉल्ट है। वैधानिक राय लेने के बाद, कानूनी राय लेने के बाद लोक सेवा आयोग ने यह निर्णय किया है कि जो संशोधन आदि की प्रक्रिया हुई है वो 2022 के विज्ञापन से लागू होगी, जो नया विज्ञापन आ रहा है उससे लागू किया जाएगा, ठीक है ना। और उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित समकक्ष संबंधी जितने भी विवाद हैं उनका निपटारा हो जाएगा। उसके बाद मई प्रथम सप्ताह में आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। आज शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदया से मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि समकक्ष संबंधी मुद्दा समाप्त होने के बाद, जैसे ही हमें वहां से क्लेरिफिकेशन मिलता है, 2018 कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के बारे में भी हम विचार करेंगे। यदि हमें वहां से क्लेरिफिकेशन मिल जाता है तो हम उनकी नियुक्ति कर देंगे, और नहीं तो इनका रिजिग्नेशन तय है, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और सबसे बताएं, आप लोग स्वयं इतने कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो, इतने कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो कि जो व्यक्ति आपके लिए हेल्प करने के लिए आगे आता है ना, आप उसका ही सहयोग नहीं करना चाहते हो। अकेले दम पे हम जो है इतनी लड़ाइयां लड़े हैं अकेले दम पे, लेकिन आपसे कहे कि थोड़ा 2 कदम हमारे साथ चलिए, आप उसमें भी हार गए। अब स्थितियां यह है कि अब या तो आर होगा या तो पार होगा, ठीक है ना। और जहां तक परिस्थितियां ये बन रही हैं, आपकी नियमावली जो संशोधित हुई है वो नए विज्ञापन से लागू होगी, 2018 से लागू नहीं होगी। और जैसे ही एनसीटी आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपके इसके बारे में पत्र भेजता है कि ये डिग्रियां समकक्ष तौर पर आती है, तभी आपकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया स्टार्ट भी हो सकती है और आपका कल्याण भी हो सकता है, मतलब आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको बाहर भी किया जा सकता है, चाहे वो प्राविधिक कला के हों, चाहे टेक्निकल आर्ट के हों, चाहे फाइन आर्ट के हों, चाहे बीएफए वाले हों। बीएफए वाले भी अपने आप को निश्चिंत ना समझे कि हम नियुक्ति पा जाएंगे, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। जैसे लेटर वहां से आया, यदि आपके फेवर में नहीं है तो आप भी जो है मतलब आपका भी सर मोड़ दिया जाएगा,
ठीक है ना, ये सारी चीजें आज शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट हुई हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि इस बार क्या प्राविधिक कला वाले जो मतलब अप्लाई कर पाएंगे एलटी ग्रेड में? बिल्कुल कर पाएंगे, इस बार कर पाएंगे। इस बार आप लोगों को औपबंधिक प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अप्लाई भी करेंगे, नियुक्ति भी लेंगे और 3 वर्ष के भीतर बीएड की डिग्री जमा करके शपथ पत्र वहां पे दाखिल भी करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ होंगी, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करिए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव महोदय, आज सचिव महोदय से मिले थे हम लोग और उनसे बातें स्पष्ट करने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई है कि शासन से मंजूरी के लिए प्रस्ताव इन्होंने पत्र लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नए विज्ञापन को जारी किया जाए और सदस्यों की नियुक्ति चूंकि 14 मई तक होनी है, उसके पहले संस्था प्रधानों के और टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट घोषित करके जो है उनके साक्षात्कार आदि का प्रोग्राम भी जो है वो घोषित कर दिया जाए। क्योंकि जब कोरम पूरा था उसी वक्त इन सारी चीजों का निर्णय हो चुका था। कोरम का अब अभाव नहीं, कोरम का कोई वहां पर क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के इसलिए शासन से अनुमति ली जा रही है। शासन की अनुमति मिलते ही आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी आ जाएगा, आपका बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट भी आ जाएगा, संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम भी आ जाएगा और जैसे ही सदस्यों की 14-17 तारीख तक नियुक्ति होती है तत्काल आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और आवेदन आदि जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पॉजिटिव वे में होकर के तैयारियां करिए और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बीएड वाले मैटर का मामला सॉर्ट आउट होता है वैसे ही आप लोगों को एक सुपरटेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। एक नहीं, 2 सुपरटेट के विज्ञापन देखने के मिलेंगे। एक एडेड जूनियर का देखने के लिए मिलेगा और एक प्राथमिक स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर भी कम से कम आपको 74,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसकी आप ये जान लीजिए कि हमारे चैनल ने स्पष्टता पुष्टि कर ली है। जब भी आपके सम्मुख 1-1.5 महीने 2 महीने में जब भी सुपर टेट का विज्ञापन आएगा कम से कम 70,000 पदों का विज्ञापन आएगा, 2 सुपर टेट के विज्ञापन आएंगे आपके सम्मुख। 1,750 का पद आएगा आपका एडेड जूनियर के लिए और 1 आएगा 74,000 पदों आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है ना। उसमें बीएड वाले शामिल थे, बीएड वाले हैं, बीएड वाले आगे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहले ही बोले थे ना पेटोट का कोई वो नहीं है, चुपचाप तैयारी करो। जिन विद्यार्थियों ने तैयारियां की आज वो प्लस पॉइंट में है, वो आगे बढ़ चुके हैं। और जो विद्यार्थी अरे परसेंटाइल परसेंटाइल पता नहीं कितना परसेंटाइल होगा, 60 लिस्ट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, पढ़े कि ना पढ़े, आज वो अपना सर खुजा रहे हैं। अरे बप्पा रे, तो गलती होगी, पढ़ना चाहिए था। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ, हमेशा ही तर्कपूर्ण सत्य और तार्किक जो सूचनाएं होती हैं केवल और केवल आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाता है। हमारा जो दायरा है ना, हम दिन भर में 50 वीडियो नहीं डालते क्योंकि हम स्वयं व्यस्त इंसान हैं भैया, हमारे पास वक्त ही नहीं होता तो हम उतना वीडियो कहां से बनाएंगे। लेकिन हाँ, हमेशा अपने टीम के साथ, अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सभी लोगों के साथ फील्ड में जुड़े रहते हैं, इसलिए पूरी सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, आपकी समस्याओं का निराकरण भी करा देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। यदि आपको बढ़िया बेहतरीन तैयारी करनी है आगामी आने वाले कंपटीशन आदि की तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ करके स्टडी मटेरियल आदि प्राप्त करिए और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित बनाइए, ठीक है ना। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।